अखिलेश यादव से पंगा लेना बीजेपी को पड़ गया भारी। बीजेपी के नेता पास आकर कहने लगे, अखिलेश भैया हमें माफ कर दो। काशीराम की मूर्ति का अनावरण, बसपा समर्थकों के हितैषी बने अखिलेश। इधर बीजेपी में अखिलेश के एक्शन से मची भगदड़, अखिलेश ने की नई इबादत लिखने की कोशिश। उधर दिल्ली में गद्दी पर बैठे साहब योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। इधर अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव से पहले बहुत बड़ा दांव खेल दिया। अखिलेश यादव ने इस बार एक तीर से दो शिकार किए हैं, जिसकी भनक ना तो योगी आदित्यनाथ को लगी ना ही बहन कुमारी मायावती को। कहते हैं ना कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, वह दौर था जब अखिलेश यादव और मायावती एक साथ थे। लेकिन ये सबने देखा कि मायावती की वजह से अखिलेश को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने मायावती के सियासी जमीन को ही खत्म कर दिया और बीजेपी के हर उस डाल को काटने की कोशिश में अखिलेश जुटे हैं जो झूठ और फरेब की बुनियाद पर लगातार फल और फूल रही थी। इसलिए अब दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव आने वाले दिनों में न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे बल्कि उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। कुछ लोगों को जरूर ये बातें हवा हवाई लगेंगी, लेकिन आज हम आपको अखिलेश के उस प्लान के सबूत भी दिखाएंगे जिसके बाद आप भी कहेंगे कि आने वाला कल अखिलेश यादव का ही है। साल 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी अभी से ही मैदान में उतर चुकी है। अखिलेश के कई दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव इन दिनों नई राजनीति की इबादत लिखने में जुटे हैं। आप सबको पता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चलती आई है, लेकिन इस बार पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय की बात अखिलेश ने की तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चाहने वालों को भी साथ लेकर चलने का फैसला किया। वैसे तो मुसलमान और यादव का वोट अखिलेश यादव को हमेशा से ही मिलता रहा है, जबकि नाराज ब्राह्मण अखिलेश के पाले में ही वोट करते आए हैं। हालांकि मुस्लिम और पिछड़ी जातियों के वोट पर मायावती ने कब्जा जमाने का काम किया है, लेकिन अब दौर बदल चुका है और राजनीति भी बदल गई है, क्योंकि लगातार अब मायावती की पार्टी खत्म होती जा रही है। ऐसे में अखिलेश चाहते हैं कि पिछड़े लोगों के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर के चाहने वालों को भी साथ लेकर चलें, ताकि बीजेपी को हराना और आसान हो जाए। इसलिए अखिलेश यादव मायावती की सियासत गए सबसे बड़ी ताकत रहे काशीराम पर दाव लगाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव 3 अप्रैल को रायबरेली के दौरे पर हैं। वहां काशीराम महाविश्वविद्यालय में बसपा के संस्थापक काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और दलित समुदाय के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सियासी परिकल्पना को लेकर काशीराम ने बसपा का गठन किया था और दलितों की राजनीतिक चेतना जगाई थी। लेकिन अब जब बसपा कमजोर पड़ रही है तो अखिलेश ने खुद आगे आकर ये जिम्मा उठाने का फैसला किया है। आपको बता दें, इसके साथ ही अखिलेश का प्लान बहुत दूर का है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया के साथ ही अब आगे के कार्यक्रमों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम के विचारों को भी मान्यता देगी। अखिलेश ने इस बार शुरुआती दांव चल दिया है और बसपा से आए आजाद सिंह को बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है। अगर एक बार अखिलेश यादव का ये पूरा प्लान कामयाब हो जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का चुनाव जीत पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अखिलेश का प्लान बीजेपी को हराना नहीं बल्कि यूपी की गद्दी को संभालने के साथ साथ देश की राजनीति में अपना कद बहुत बड़ा करने का है। लेकिन देखें तो मौजूदा समय में विपक्ष में बिखराव नजर आता है। बहुत मुश्किल ही है कि विपक्ष मिलकर मोदी का सामना करें, लेकिन एक बार अखिलेश यादव यदि मोर्चा संभाल लेते हैं तो लिख कर ले लीजिए, बीजेपी की हार हो जाएगी और यादव परिवार को एक बार आगे बढ़कर पीछे मुड़ना नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट।